आखिरी समय होगा। एक लाइन कि आ रही है पूरा तू भी हो तोरी दिन है हमारे वृंदावन बहनलाल की आज जन्मोत्सव किस अवसर पर। आज ही नहीं कई दशकों से इस दुबीवासी मेला कमेटी यहाँ की समिति जितना भी हैं बहुत बहुत अथक प्रयास से ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और खुशी तब होती है जब हम और आप साथ होते हैं। ये जरूरी है कि हमारा और आपका संबंध ये उस कान्हा के लिए भी अच्छा होता है। पिछले एक महीना से जो आप समिति ये दूबी की जो अवस्था है इससे हम बखूबी तैयार हैं। यहाँ की नगर पालिका जो दोनों क्षेत्र में से अपना रास्ता खाली करके मकान तोड़वाया है इससे भी इस पूजा में असर पड़ा हुआ है, इसको भी मैं मानता हूँ। और जितना पहले की अवस्था में अच्छा था इस बार तो हल्का सा कुछ कमी कमजोरी नजर में आ रही है। कोई बात नहीं, इस अथक प्रयास से भी इस समिति ने जितना जोरदार से अपना स्वागत किया गया है ये आज से नहीं ये 10 साल से भी ऊपर से ये कार्यक्रम हो रही है। इस कार्यक्रम को बंद नहीं करना है बल्कि जो समिति वाले प्रण किए हुए हैं उनको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे आए हुए जितने भी नेपाल के कोना कोना से आए हुए जाने जाने माने हस्तियाँ, इंडिया के से आए हुए जितना भी जाने माने हस्तियाँ, उन सभी को मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज जहां तक आप गूंज रहे हैं, जितने आदमी सुन रहे हैं, जितने भक्त सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हमारे हरिनारायण भैया जी जो बहुत एक महीना पहले से ही भैया आप एक प्रोग्राम में लीजिएगा, यहाँ का प्रोग्राम आपके लिए फिक्स है, इतना प्यार देते हुए हमको जो यहाँ पे लाए हैं उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भले ही आप लोग भैया को बम बम करके भुगाते हैं कि आप लोग का प्यार है आई डोंट नो एनीथिंग, बट मेरे लिए तो हमारे अग्रज हमारे भैया जी हैं और समिति के सारे संचालक समिति हैं। आइए, बहुत ही लेट हो चुका है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम सारे कलाकार की तरफ से मैं मांगता हूँ। बहुत दूर दराज से कलाकार लोग आए हुए हैं, इसको इज्जत करना मेरा फर्ज बनता है। बिल मना करते हुए मैं भजनों की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मैं भजन गा रहा हूं ये भजन अभी रंगमंच में आएगा, कुछ भजनों के बाद शरीर में आग लगेगी, उसके बाद फिर ये पंडाल में जो माहौल हो वो माहौल को देखेंगे हम लोग। आइए। हेलो 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 आप हेलो 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 चेक हेलो हल्का मीट दीजिए ना मीट हेलो चेक हेलो हेलो
हेलो चेक हेलो आवाज ठीक है ना? अब जा रहा है वहां तक, जा रहा है ना? जरूर क्या बात है, आइए आइए आइए। अरे पहले उनके बाद कोई अर्जी लगेगी। यहां पे हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू कथा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य में हमारे गणपति महाराज को हम लोग सुमिरन करते हैं। आइए उनको सबसे पहले हम यहां सुमिरन करते हैं, उनके बाद हमारे वृंदावन बिहार की जो भजन चलेगी उसके बाद आनंद आएगा। मेरे देवा मेरे बगिया महका दे मंगलकारी हो। ओ मेरे देवा गणपति दुखियों के हितकारी हो, मेरे देवा गणपति दुखियों के हितकारी हो। जीवन बगिया महका दे मंगलकारी हो, जीवन बगिया महका दे मंगलकारी हो। मेरे देवा गणपति दुखियों के हितकारी हो, मेरे देवा
Thank you.
प्रत्येक अंग को कोड़ी छोड़ाया, प्रत्येक बाधन को माया। प्रत्येक अंग को कोड़ी छोड़ाया, प्रत्येक बाधन को निर्धन को माया। शुभ लाभ के दाता श्री गणेश जी के दाता, शुभ लाभ के दाता श्री गणेश जी के दाता। देखो मैं पहले सबसे पूजा तुम्हारी हो, देखो मैं सबसे पहला पूजा तुम्हारी हो। गणपति महाराज की सुमिरन हो रही है, कृपया करके दोनों हाथ उठा दे प्लीज। ये गणपति महाराज जी के लिए, महाराज जी के लिए, गणपति महाराज की, गणपति महाराज की जय हो। देखो मैं सबसे पहला पूजा तुम्हारी हो, देखो मैं सबसे पहला पूजा तुम्हारी हो। जीवन बगिया महका दे मंगलकारी, हितकारी हो मेरे देवा गणपति दुखियों के हितकारी हो। जीवन बगिया महका दे मंगलकारी हो, जीवन बगिया महका दे मंगलकारी हो, गणपति महाराज की। और संपूर्ण हमारा जो आमा दीदी बहनी आज कृपया वहाँ बस्ने ठाव दिन, कृपया जति जेन्ट्स भक्तजन एक साइड भैया कृपया वहाँ हृदय देखि धन्यवाद हजूर मनोध करना चाहूँ कि एक साइड भैया तो हमारा स्वयं सेवक भाई कृपया हमारा दीदी बहनी आमा जति वहाँ एक लहरे बसाएर आज को भजन कीर्तन 12 बजेसम भाई बसर आज को भजन कीर्तन आनंदपूर्वक बसी आज को भजन कीर्तन सुनिदिन का हार्दिक हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। संपूर्ण हमारा जति जेन्ट्स हमारा दाजू भाई एक लहरे बसिदो र एक लहरे हमारा आमा दीदी बहनी बसर आज को इस भजन कीर्तन सुनने हार्दिक हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। हमारा ऑपरेटर दाई भाई के भन्न चाहूँ गायक को साउंड बीच बीच में लस गई को ध्यानपूर्वक ध्यान दिन का हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। साथ ही संपूर्ण स्वयंसेवक हमारा साथी भाई मे भन्न चाहूँ फेरी फेरी अनुरोध करना चाहूँ जेन्स लेडीजा हमारा जो आज व्रत बस्त वहाँ राम्रो ठाउँ दिएर बसाएर आज को भजन कीर्तन लाई सुनिदिने कुरा हार्दिक हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। धन्यवाद। ये सबसे पहले क्या होता है ना, ये दीदी लोग ये जेल में है क्या, इसको उद्धार कीजिए। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये बैरिक लगा हुआ है ना, मजा नहीं आ रहा है क्या? पास लगाने से जो है ना जितना भी चार को पास पांच को पास बांध दीजिए हमारे लोग, इसीलिए एक ऐसा कीजिए ना जैसे मान के चलिए कि वो हमारे जितने भी भक्त भाई लोग हैं ये भैया लोग हैं, एक साथ दीजिए लोग को और दीदी लोग को एक साथ दीजिए।
संपूर्ण हमारा दीदी बहनी एक से आधा पैसे दिन हार्दिक हार्दिक अनुरोध करना चाहते हमारा मंदिर कमिटी का स्वयं सेवक भाई तो चलिए फिर भजन की ओर चलते हैं। धन्यवाद। वृंदावन की हरी लाल की ये सुमिरन हो रही है, आइए पहले उनको सुमिरन करते हैं, उनके बाद भजनों की आगाज होगी। कहते हैं क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एकमात्र स्वामी सखा हमारो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा यही से गाएंगे और आप लोगों को यह
एहसास नहीं होगा कि ये कमी हो रही है। उठाओ ना हाथ को प्लीज, उठाओ ना हाथ को प्लीज। राधे राधे। और ये अभी बहुत चिंता मत हो रहा है ना, ये जो बात हो रही है ना ये कृष्णा की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। हमारे राधा मैया जितना भी कर लो ये उनकी जुबान से बहुत परे है। ये आप लोग की जयकारा यहाँ तक नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जयकारा यहाँ तक नहीं आ रही है। जयकारा उठाएंगे हाथ जो प्लीज, उठाएंगे हाथ जो प्लीज, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, राधा मैया की। क्या बात है, ये तभी से आप लोग कहां पे थे, कितना मजा आ रहा है जयकारा सुन के देखे तो। और कहते हैं क्या ये मतलब की जो संसार है ना ये बहुत ही निर्दयी है। आज की जमाना में, आज की दुनिया में ये मतलब की जो इंसान है ये 5 रुपया के लिए, ये 500 रुपया के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आइए कहते हैं क्या मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ साबुरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ साबुरे मुझे तेरी जरूरत है। Thank you.
Oh, 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 oh,
वृंदावन गिरधारी मुरारा वृंदावन गिरधारी Radhe Krishna, 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 Radhe Krishna,
सब
भी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि सभी को इतना सुंदर दरबार में आने का अवसर नहीं मिलता है। तो आप और हम सभी भाग्यशाली भक्त हैं। मैं चाहूंगी जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, एक बार अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपने दोनों हाथों को एक बार खड़े करके जयकारा लगाएंगे। सभी भक्त से गुजारिश करना चाहूंगी, एक बार अपने दोनों हाथों को खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। हेलो, बड़ा ही प्यारा सा भजन है। चाहूंगी इस भजन में आप लोग मीठी मीठी तालियों से मेरा साथ दें।
Thank you.
तालियां बजा देंगे और एक बार जोरदार जयकारा भी लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर से आप लोग हमारे जितने भी हमारे दीदी बहनी आमा सब है सबको आगे कीजिए आप लोग, और पूरे देश जितने भी है सब पीछे चले जाए। संपूर्ण हमारे दीदी आमा दीदी बहनी हमें अगाड़ी आएर बसी दिन हार्दिक अनुरोध करना चाहन्छु। जति पनि पछाडी हुने भएको छ कृपया अगाडि आएर अगाडि खाली गरिदिएको छ तपाईँहरूको लागि कृपया अगाडि आएर बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पनि दिदी बहिनी आमा बुबा जुन पछाडि हुने भएको छ अगाडि आएर बसिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आप लोग बहुत ही ज्यादा पीछे बैठे हुए हैं, आगे रहते तो आप लोग को भी बहुत आनंद आता और हमें भी। नहीं अली अली को बड़ा हूँ। हेलो 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 हेलो
जरा अपने हाथ को खोल के कि तेरी दर्शन पाओ, तेरी दर्शन पाओ, नींद बार सोहना तो पे मारी मारी जाओ मेरे मेरे पास।
एक और जगदूत के बाद भजन के बाद हम लोग बीच से बुद्धिमान जी हमारे बीच बुद्धिमान सरदार जी भी आए हुए हैं उनके मुखार बिंदु से भी हम लोग बाबा के चरणों में नीचे मीठी भजन सुनेंगे। तो चलिए फिर से भजन की ओर चलते हैं और भजन के साथ साथ रहना सकूंगा तुमसे दूर में चोरी
अच्छा मैं नीचे आ गया, मुझसे रहा लग गया, आप लोग पीछे हैं, मुझसे रहा लग गया। चाहोगे एक बार अपने दो हाथों को जितने भी माता बहन उठाएंगे, बोले किसी ने नहीं ना लाज की, मैंने भी मिल जाया के साथ सबके मेरे मेरा Thank you.
साज साज आवाज और नृत्य, ये संगीत है। संगीत ईश्वर की शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। प्रेम से आप लोग मंदिर में आए हैं, एक बात ना भूले कम से कम कि हम आज भगवान की गुणानुवाद करने आए हैं। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं शमशान उसे हम कहते हैं, भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे कहते हैं। जो प्रभु का गुणगान करते हैं, हरि नाम का धन है जिसके पास, उसको धनवान कहते हैं। तो कहने की तो बहुत है, आज भजन के माध्यम से जो कहा जाए वो थोड़ा हो या बहुत हो, ये हमारे आपकी ऊपर जो कृपा हुई है, जो संसार के परमपिता परमात्मा के रूप से जिनको हम अवतरित रूप से भगवान कृष्ण के नाम देते हैं। तो एक वैसे तो फरमाइश है जो मैं ऐसी लगन रहा हूँ। मर कर भी अमरनाथ है उस जीव का इस जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन किया करे। लगन
बजानी है इसीलिए थोड़ा अंतर्मुख हो जाए। ऐसी दादी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी दादी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गाने 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 लगी। ऐसी दादी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी दादी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गाने गाने आप लोगों के पास लगन है मीठी मीठी ताल सागर में पानी का हो रहा है, गागर में आता नहीं, सागर में पानी बहुत है गागर में आता नहीं, पर आप सबके ताली के बिना माहौल मजा आ रहा है, इसलिए आप लोग मीठी मीठी ताली बजा बजा रहे। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल बन पंचो गंगन चली।
प्रेम से भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की और अभी आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि कल सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल रैली निकलेगी, उसमें भारी से भारी मात्रा में आकर के आप लोग कल के मोटरसाइकिल रैली को पूरा करेंगे। और साथ ही हमारे हम लोग बीच ये जो ये कार्यक्रम हो रहा है इतना बड़ा, इसको हमारे मीडिया साथी लोग हमारे चंदन धोनियार, नवीन धोनियार, आशीष यादव जी, अकबर अकबर जी, इन सभी हमारे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सबको कवर कर रहे हैं और हमारे इस पत्रिका के माध्यम से सभी को जानकारी देने उसके लिए इतने ही धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और चलिए फिर से हम लोग भजन की ओर चलते हैं और हमारा कल शोभा यात्रा रथ शोभा यात्रा 2 बजे निकलेगी, उसमें भी आप लोग भारी से भारी मात्रा में आकर के रथ यात्रा को पूरा करेंगे और घर के आगे अपने अपने घर के आगे कलश यात्रा कलश रख करके उस शोभा यात्रा को शोभा बढ़ा देने के लिए आप लोग हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद और चलिए फिर बहन खुश चलते हैं। काल काल लल्लो काल काल लल्लो
चिंता करने से मुरली बाबे, मुरली बाबे, मुरली बाबे, मुरली बाबे। Thank you.
जिंदा रखने दे भगवान सच्चिदानंद की। हमारे और इस भजन को सुनकर के खुश होकर के हमारे सुनील गुप्ता अनिल गुप्ता दुबई निवासी की तरफ से इस मंच को 175 रुपये प्रदान हुआ है, उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। तो चलिए फिर भजन की ओर चलते हैं। और हमारे बीच सुष्मिता बहन भी आए हुए, उनके बुखार बिंदु से भी हम लोग श्याम बाबा के मुरली वाले के चौकों में मीठी मीठी भजन आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। इसी तरह मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते नाचते हुए आज के इस जागरण को पूरा करेंगे, ऐसा करते हुए चलिए फिर से भजन सुनते हैं हमारे बुद्धिमान भजन से। धन्यवाद। और हमारे बीच मोनू जी भी आए हुए हैं, उनके मुखार बिंदु से ही बाबा के चरणों में मीठी मीठी भजन सुनेंगे। धन्यवाद। भावना के ज्योत को जला के देखिए, बोली है मुरली बुला के देखिए, भावना के सबके दिलों
रात्रिकालीन भक्ति में साज में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले माँ के बिहारी लाल की, माँ कंचार की, मुरली वाले की। तो चलिए मात्र एक भजन के बाद हमारे बीच मनोज जी आएंगे और मीठी मीठी भजन आप लोगों को समझ पाएंगे। तो चलिए हमारे बीच सुष्मिता भाई ने उसे कान्हा के चरणों में वो सावरे बहुत ही मीठा भजन आप लोगों को समझ पेश करेंगे और इस भजन को आप लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाएंगे, हो सके तो झूमेंगे नाचेंगे। और हमारे बीच इस भजन को सुनकर के खुश हो गए हमारे बजरंगी महतो जो राधा कृष्ण मंदिर से ठीक सटे हुए हैं, उनके तरफ से इस मंच को इस भजन को सुनकर के खुश होकर के 101 करोड़ रुपए प्रदान किया है, उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। धन्यवाद हमारे सुष्मिता बहन से कान्हा जी के चरणों में भजन। तो ये जानोगे, बनोगे राधा, तो ये
सुंदर भजन रिकॉर्ड भजन हमारी सुष्मिता बहन और एक बच्ची बहुत देर से रो रही है नीचे सीमा सीमा की माँ जहाँ कहीं भी हो आप मंच के सामने आकर के अपने बच्चे को वो रो रहे हैं बहुत देर से सीमा जी आप जहाँ कहीं भी हो मंच के सामने आकर के अपने बच्चे का आप लोग इस आवाज को सुन करके जल्द से जल्द आकर के अपने बच्चे को ले धन्यवाद। और हमारे इस भजन को सुन करके खुश होकर के मोहन कुमार महतो रूबी देवी महतो के तरफ से 160 रुपया प्रदान हुआ। उसी तरह रोहित कुमार रोनिया दूबी छो निवासी के तरफ से 255 रुपया प्रदान हुआ। उसी तरह डिजिटल इवेंट स्टूडियो की तरफ से 100 रुपया प्रदान हुआ। इन सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। बोलो हरा हरा 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 बोलो हरा ह
हमारे ऋषि पूजा समिति की तरफ से एक फरमाइश आई है हमारे बुद्धिमान जी के, उसके बाद मनु जी से इससे बाबा के चरण में भजन सुनेंगे। तो बुद्धिमान जी एक फरमाइश कमिटी की तरफ से आई है, इसलिए सुनते हैं बहुत ही मीठा भजन हमारे बुद्धिमान भैया जी से। धन्यवाद। और हमारे वर्षा गुप्ता धरान से जो आई हुई है उनको तरफ से इस मंच को 510 रुपया प्रदान हुआ है, उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। धन्यवाद। और हमारे मंटू भाई जी के तरफ से भी इस मंच को 101 रुपया प्रदान हुआ है, उनको भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। धन्यवाद। तस्वीर बनती है तेरे दरबार में, बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। प्रेम समझे एक बार साईं बाबा की फोटो पे मुस्कान है, याद रहे ध्यान दे, होठों पे मुस्कान है तो इंसान दूर नहीं है।
होठों पे मुस्कान है तो इंसान दूर नहीं, पंखों में उड़ान है तो आसमान दूर नहीं। शिखर पे बैठ के हमने गाया बजाया है, सत्ता में अगर जान है तो भगवान दूर नहीं। जमाने में कही टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में, बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीख तेरी निकली है दिल से, आए हैं लब पे बनके कवाली, सिरी बाते साई बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवारी, सिरी बाते आया हूँ, सिरी बाते साई बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवारी। लब पे I'm not afraid to die.
बहुत ही ऊंचा वजन और इस वजन को सुनकर के हमारे दुबिधवा निवासी राजेश्वर मंडल जी अंकित मंडल जी की तरफ इस मंच को एक से एक रूप प्रदान हुआ है। इनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और हमारे आने वाले दो गद्दे और तीन गद्दे गणेश पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसलिए इस मंच की तरफ से आप सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि हर साल इस साल का गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, तो दो गद्दे तीन गद्दे वहाँ भी आने के लिए आप लोगों को इस मंच से ही झूलना झूलाए अरे झूले नंदलाला झूले मुरली बाला। आज सभी कौन ब्रजवासी बनेंगे, कौन कौन ब्रज के वासी बनना चाहते हैं एक बार हाथ खोल के बताना, कौन कौन लल्ला को झुलाना चाहते हैं ये ऊंचे हाथ, जो भी आज लल्ला को झुलाएंगे उसकी किस्मत बदल जाएगी और ताली के साथ अरे झूले नंदलाला झूले मुरली बाला। अरे झूले नंदलाला झूले झूले नंदलाला झूले, आप लोग भी गाओ साथ में तो मजा आएगा बड़ा ही। जब होती
कि झूले लेते झूले लेते। आप लोग भी ये भैया पप्पू भैया आप लोग भी साथ में गाओ, एक लाइन मैं गाऊंगा और एक लाइन आप। अरे झूले रंग लाला झूले रंग लाला के बाद और क्या बात है भैया। एक बार हमारे ढोलक वाले भैया भैया जोरदार ताली बंद की, एक बार जोरदार डूबी वाली ताली क्या बात है। और ऐसे नहीं सभी साथ में मिल के गाएंगे और गाली भी बजाएंगे। एक बार हाथ खोल के ये ऊंचे हाथ और कहना है अरे झूले झंडे अभी तो सोने का पल्ला में सुलाए हैं और क्या कहते हैं राधा के संग में झूला झूले हैं, राधा के संग में झूला झूले हैं। किसके संग में किसके राधा के संग में झूला झूले हैं, राधा के संग में झूला झूले हैं। राधा के संग लगे प्यारा, राधा के संग लगे प्यारा। एक लाइन मुझे अरे मनिहारी का भेष बनाया, ऊपर
पीछे वाले भैया ना हाथ उठा लो और ताली के साथ कहना है मुझे श्याम रंग है पाया मुझे श्याम रंग है पाया। अगर भजन अच्छा लग रहा हो तो एक बार ताली का आशीर्वाद जरूर दे दे बार और कहना है और श्याम चूड़ी श्याम चूड़ी श्याम चूड़ी बेचने
बहुत ही मीठे भजन हमारे मनोजी पुराने जितने भी पुराने बाबा के भजन है सब दिल को छूने वाले भजन होते हैं। तो इस भजन को सुन करके हमारे मोहन ब्रासबैंड की तरफ से इस मंच को 505 रुपया प्रदान हुआ है। उसी तरह उमेश लोनियाल की तरफ से 505 रुपया प्रदान हुआ इस मंच को। और आप लोग जो इस कार्यक्रम को बढ़ करके सुन रहे हैं देख रहे हैं ये पूरा श्रेय हमारे दुई वासी को जाता है क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरती है। संपूर्ण दुबीवासी के सहयोग से ये कार्यक्रम हम लोग करना सफल होते हैं हम लोग। इसीलिए आप सभी दुबीवासी हमारे पूरी गंगा की तरफ से भी सहयोग आया है उन सभी दाताओं को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और फिर चलिए मोनू जी से ही मीठी मीठी भजन सुनेंगे उसके बाद फिर सरवन जी से सुनेंगे उसके बाद फिर निशा जी से। धन्यवाद। आइए 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 अच्छा ये भजन गाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ कि यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अनमैरिड कितने लोग हैं वो हाथ खोल के बताना जो शादीशुदा नहीं हो जो सिंगल हो एक बार हाथ खोल के बताना। चलिए बहुत कम लोग हैं। चलिए अच्छा है कि भगवान के पास आए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड है जो कपल है। आइए जो भी सिंगल है मेरे बाबा की दया से आप लोग भी जो है आपके समय के अनुसार आप लोग भी जल्दी ही कपल हो जाएंगे। आइए भजन बड़ा ही प्यारा सा मीठा सा भजन है। अरे किसके संग तुम रचाओगे शादी कौन है तेरे दिल की सहजारी हज भरेगा तुम्हें ये बताना बताना बताना। कहते हैं कि मुरली तेरी रस भरी बोल तेरा निराला है मुरली तेरी रस भरी बोल तेरा निराला है। तुम तो सुंदर हो कन्हैया पर रंग मुझ मेरे जैसा ही काला है। हंस भी दो कहते हैं हंसने से पानी अच्छी रहती है स्वस्थ भी अच्छी रहती है। और तुम तो सुंदर हो कन्हैया पर रंग मुझ काला है जो आंखों में रहने वाला ना बोले कृष्ण कन्हैया लाल की और कहना है अरे ओ कान्हा बताना बताना बताना।
कि जोड़ी लग पाते माथे सहरा सजा दे परु तेरी मैया तभी जराओ तेरी गैया करा दे शादी मोरी मैया। अरे से नहीं इस भजन को सुनना है ताली के साथ जब वन जब वन जब वन टू थ्री ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा किसी ने देखा है क्या? अगर देखा है तो एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाओ और ताली बजा के कहना है कि राधा
कि देखने में पढ़े लिखे शिक्षित नजर आते हो भैया, बाबू भैया हो, किया हो राजा, किया हो भैया, क्या बात है भैया, बड़ा खूब बजाते हैं। पहली बार संगत करने का मौका मिला मनोज भैया की वजह से। कि देखने में पढ़े लिखे शिक्षित नजर आते हो, और जब हाथ बांधे खड़े होते हो तो माधुरी दीक्षित नजर आते हो। हाथ बांधे खड़े नहीं, ताली बजा कर ये हाथ खोलते हुए भैया को खोल के दोनों हाथ को उठा लो, उठा लो, उठा के वाले भी और बच्चे में नारा झूठ नहीं। किसने मेरा श्याम देखा, बोले संजय दरबार की, बोले राधा रानी सरकार की। अगर भजन अच्छा लगा हो तो मेरा ही नाम मोनू है, घर में आ गया, ये मेरे निशा से मेरी वाइफ, हम दोनों मजबूरी के लिए या बाध्यता के लिए दोनों आदमी एक ही लाइन में घुस गए। एक बार जोरदार ये मजबूरी नहीं पड़ी थी, और ये भगवान राधे और कृष्ण की जोड़ी हम सब के बीच मधुर मधुर मीठी मीठी भजनों के साथ जो सुना है, इसके लिए इस मंच की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से नीतीश जी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और इस भजन को खुश होकर के सुन करके हमारे जवाहर अग्रहरी दुबिचौर निवासी रामेश्वर कामत अरविंद बैठा जी के तरफ से, जवाहर जी के तरफ से 205 रुपया, रामेश्वर जी के 105 रुपया, अरविंद जी के तरफ से 300 रुपया, उसी तरह एक्स्ट्रा फेशन वेयर के तरफ से 505 रुपया, उसी तरह रवि ठाकुर के तरफ से 505 रुपया। इन सभी दाताओं को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और आप लोगों के बीच हम लोग फिर से निशा जी को लाएंगे, और इतनी बड़ी कार्यक्रम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है इतनी, और इसमें हमारे सहयोगी जो है बालाजी सिंह आदिमुड़ा, श्री गणपति ऑटो पैलेस दुहवी, श्री पाइप इंडस्ट्रीज दुहवी वड़ा नंबर 5 के कार्यालय, दुहवी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 को कार्यालय, विशेष सहयोग दुहवी नगर पालिका दुहवी सुनसरी की तरफ से हम लोग को सहयोग हुआ है। तो चलिए फिर भजन की ओर चलते हैं और सुनते हैं भजन हमारे निशा जी से। धन्यवाद। और एक सूचना, और 2-3 बजे हमारे एक भाई बोले थे कि हमारी बेटी बहुत सुंदर नृत्य करती है राधा बन करके, वो हमसे संपर्क में नहीं आए हैं, तो इस मंच में गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटी का नृत्य इस मंच से दिखा सकते हैं। वो बोले थे फोन करेंगे लेकिन वो संपर्क में नहीं आए, इसीलिए मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि अपनी बेटी राधा को इस मंच पे ला करके नृत्य का प्रदर्शन कर देने के लिए, नृत्य दिखाने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। भोला भोला सब कोई कहे, जे गोरा कहे ना कोई, और भोला के दरबार में जो गोरा कहे सो हो। हम लोग के भी घर में हम लोग जो कहते हैं वही होता है, हमारे पति लोग को हम लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग रुस जाएंगे और उन लोग को मनाना पड़ेगा। तो हाल ही में सावन महीना गया है, तो बाबा भोलेनाथ का बड़ा ही प्यारा सा भजन है, सावन महीना में इस मंदिर में भी भजन हुआ होगा, मैं
मैं भी एक दो बार आई हूँ। अच्छा बोल बोल कौन कौन गए, कितने आदमी गए हैं? ये मंदिर कौन कौन गए हैं? यहाँ के जो मंदिर सभी गए हैं। एक बार इस मंदिर के लिए जयकारा हो जाए। बोल बाबा भोलेनाथ की, बोल बाबा भूतनाथ की। बड़ा ही प्यारा सा भजन है, चाहूंगी इस भजन में आप लोग मेरे साथ तालियों से झूमें।
वो भी जोर जोर से मैं धीरे धीरे बज रहा हूँ, इतना टेंशन किया था
और देखिए कि हमारा भैया लोग जो है जब बजाएगा तो कैसे बजेगा। भैया तो हाथ को खोल दिया, भैया लोग अभी कोई इज्जत का सवाल है नाक मत करने दीजिएगा, एक बार हाथ को खोल दो भैया। और तालिका साथ कहना है देखिए दम भैया का बोले सच्चे दरबार की। हम महिला लोग का आवाज है खत्म खत्म बैठे दो बात में है ना, तो लोग ये लोग तो खा पी के आए हैं इसीलिए दम लेंगे। अच्छा ये बात है। चलिए व्रत में आते हैं एक बार। देखिए कहा जाता है नारी और पुरुष एक ही रथ के दो पंगड़ा है, एक अगर फ्रैक्चर हो जाए तो काम नहीं चलने वाला है। जितने भी हमारे भैया लोग और माताएं लोग हैं आप लोग सभी मिलकर के अपने हाथ को उठाए, सभी 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 कोई सभी को मिलकर मैं कहना चाहूंगा कि आज भक्तों में बहुत बड़ा संताप नजर आता है। एक तरफ हमारी झांसी की रानी तो दूसरा तरफ राणा प्रताप नजर आता है। सभी को हमारे सभी को जितने भी एक बार हाथ खोल करके सभी को उठा ले और क्या कहना है ईश्वर जी ताली के साथ। जाओ जाओ महादेव मेरे महादेव का नाम आ गया तो मैंने कह दिया। और सभी ताली के साथ कहना है अब बोल 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 Thank you.
कितने आते हैं जो अपने बाबा के साथ में रहेंगे और अपने अपने सवाल खोलेंगे, उठाएंगे हाथ को, उठाएंगे हाथ को, उठाएंगे हाथ को, उठाकर रखना, उठाकर रखना। Let's go.
भी होगा मेरे भाइयों बगल में कहते हैं क्या कभी से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ताली नहीं बजा रहा है उनको पति नहीं मिले है कि काली उनको पति नहीं मिले है कि काली उनको डपट के बोले घर वाले उनको डपट के बोले घर वाले हमका जेब भरे का खाले उनको पति मिलेगा काला उनको पति मिलेगा काला होली पक्का उनको पति मिले है भल्ला मिले करिया भल्ले उनको पति मिलेगा काला उनको डपट के बोले घर वाला हमका कान का खो जाए काला जो मैया का जयकारा ना बोले प्लीज 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 यार प्लीज उठाएंगे ना हाथ को उठाएंगे ना उठाएंगे ना हाथ को जो मैया का जयकारा ना बोले जो मैया का जयकारा बोले जो मैया का जयकारा बोले बिना को मन से हटाए बिना को मन से हटाए और धाम 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 के चरण में लगा ले माई के पुजरिया चमा चम चमा Thank you.
ये भाई तभी से 10 बार हमको बोला भैया पिया 1200 जी का यहाँ की ना जी 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 कितना प्रेम करता पिया 1200 जी शादी हो गया नहीं बच गया ये बालक बच गया अच्छा यहाँ से कहना है पक्का ना पक्का ना Yeah.
मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, दाई मेरा जवाब खराब हो गया यार, क्या करूं मैं, हमको वहां जाना है पक्का। मैं वहां पर आऊं कि नहीं पक्का, उठाइए हाथ। I'm not going to be able to do it.
Sure.
मैं चाहूंगा हमारे जो बड़े भैया हैं कार्यक्रम शुरुआत से बैठे हुए हैं मंच पे, मैं चाहूंगा भैया एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। बड़े ही मैं चाहूंगा हमारे बड़े भैया हमारे बड़े भैया उमेश भैया भी एक बार जोरदार ताली हो जाए जोरदार। और देखिए उमेश भैया मेरे साथ में झूमेंगे इस भजन पे, आप लोग को भी झूमना पड़ेगा भैया। हो मैं चलूंगा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। अच्छा भैया थोड़ा सा कमर हिला मिला ले हमारे बड़े भैया हरी भैया आप हरी हरी साथ दे दीजिए हरी भैया हरी भैया। और कहना है अत ही अपनी कायो लग लगे जब कमर या कसारा इलाही ना हो रही लग लगे जब कमर या कसारा इलाही ना हो रही।
ये बड्डी का केक काट रहे हैं और हमारे एक और केक आ रहा है हमारे खाना जी के लिए। तो इस भजन को सुन करके सुन करके हमारे भैया यहाँ से थोड़ा साइड हो गई, यहाँ से दूबी के समाज से भी शिव प्रसाद रोनियार दूबी पांच निवासी की तरफ से 505 रुपया प्रदान हुआ इस मंच को, और हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और हमारे कल के कार्यक्रम भजन कीर्तन हमारे मोहन भजन ऑर्केस्ट्रा साउंड के तरफ से कल का कार्यक्रम रखा गया भजन कीर्तन, उसमें भी भाई से भारी मात्रा में आकर के कल का भजन कीर्तन का आरंभ लेके आ गया। धन्यवाद। ओ रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, माखन मिश्री का एक मंगाया है, इसको सबसे सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो हैप्पी बर्थडे टू काना जी, बोलो हैप्पी बर्थडे टू पिता जी। ओ एक बरस बुरा हुआ इंतजार आया है जन्मदिन मनाने बुरा प्लीज यार ये क्या बना दिया यार। Hey!